जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जनरल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आपकी करंट अफेयर की क्लास जो चल रही थी कुछ दिनों से बाधित थी, वो क्लास आ नहीं पाई थी, कुछ कारणवश आवश्यक कार्य था, इस वजह से आपकी क्लासे आ नहीं पाई थी। दोस्तों, आज हम आपका 16 नवंबर तक करवा चुके थे, 17, 18, 19 और 21 नवंबर, क्योंकि 20 को दोस्तों संडे था। 17 से 21 नवंबर तक का करंट दोस्तों आज हम कंप्लीट करवाते हैं। इस स्लाइड में 17 और 18 का आएगा, आगे की दो स्लाइडों में 19 और 21 के करंट अफेयर को दोस्तों पूर्ण कराया जाएगा। आइए जल्दी से 17 नवंबर के करंट अफेयर को समझ लेते हैं। दोस्तों, सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू हुआ? किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू हुआ दोस्तों? तो एमपी में। कहां एमपी मतलब दोस्तों? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लागू किया? किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लागू किया? तो दोस्तों, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लागू किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। किसने किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया। चौथा क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को किस देश की एजेंसी ने आर्टेमिस फर्स्ट, किसने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया? दोस्तों, ये किया है आर से अमेरिका, अमेरिका की कंपनी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नासा ने क्या किया? आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया। इसमें क्या किया जाएगा? मानव को चांद पे पहुंचाया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, उसमें भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? तो 8वीं रैंक है। कितनी रैंक है? 8वीं रैंक है, ठीक है, 8 नंबर पे भारत है। छठा क्वेश्चन लिखा है, सत्यजीत रे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 सम्मानित किया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो किया जाएगा कार्लोस सोरा। किसको किया जाएगा? कार्लोस सोरा को किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सत्यजीत सोरा और रे भी लिखा है, आखिरी में रा भी लिखा है। कार्लोस सत्यजीत रे अवार्ड जो है कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? किस समूह के द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना दोस्तों लॉन्च की गई? तो की गई G7 के द्वारा। G7 के द्वारा किसके द्वारा किया गया दोस्तों? G7 के द्वारा किया गया। आठवां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य घोषित किया है? हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य घोषित किया दोस्तों? नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग का हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, उसमें आपको नीति आयोग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य घोषित किया दोस्तों? किया है डॉक्टर अरविंद बिरमानी। किसको किया? बिरमानी, बिरयानी नहीं दोस्तों, बिरयानी नहीं, बिरमानी। किसको किया? बिरमानी को किया। लिखा है नवा क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व में इस्पात उत्पादन, इसमें दोस्तों इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? तो अपना प्यारा भारत दोस्तों जो है इस्पात उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। दसवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, जैसे कि लखनऊ हाईकोर्ट जो था वो कहाँ पे था? कैसरबाग बस स्टॉप के पास था, लेकिन बाद में कामता के पास आ गया लखनऊ हाईकोर्ट। उसी प्रकार से उत्तराखंड हाईकोर्ट को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों? हल्द्वानी। कहाँ किया जाएगा? हल्द्वानी में ट्रांसफर किया जाएगा। आइए दोस्तों, इसको रिवाइज करते हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू हुआ दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश में हुआ। किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया। 16 नवंबर को किस देश की एजेंसी ने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया दोस्तों? अमेरिका ने किया। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? तो 8वीं रैंक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों?
कार्लोस सोरा को किया जाएगा। किस समूह द्वारा गोल्ड ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की दोस्तों? किस समूह ने की? तो G7 ने की। केंद्र सरकार ने किसी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में नियुक्त किया? तो दोस्तों किया डॉक्टर अरविंद बिरमानी को। कौन सा देश विश्व में इस्पात उत्पादन में दूसरे नंबर पर है? तो दोस्तों भारत है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों? तो हल्द्वानी में किया जाएगा। आइए दोस्तों इसके बाद 18 नवंबर के करंट अफेयर को दोस्तों चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 नवंबर कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। दूसरा क्वेश्चन, कहां पर काशी तमिल संगम स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों काशी तमिल संगम कहां स्टार्ट हुआ? आपके वाराणसी में स्टार्ट हुआ। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर काशी तमिल संगम वाराणसी में। बाजरा मिशन किसने स्टार्ट किया दोस्तों? असम ने। बाजरा मिशन किसने स्टार्ट किया? बाजरा मिशन असम ने स्टार्ट किया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? तो शरद कमल है। कौन है? शरद कमल है। टेनिस टूर्नामेंट टेनिस के खिलाड़ी है शरद कमल। कौन है? शरद कमल। किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया? एथलीट कमीशन में चुने जाने पहले भारतीय शरद कमल। किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया? मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? तो चुना गया है संध्या देवनाथन को। लिखा है छठा क्वेश्चन, कहां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? कहां पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है मिजोरम में। कहां किया जा रहा है? मिजोरम में किया जा रहा है। लिखा है किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? इसका आंसर है वेंकी राम कृष्णन। किसको? वेंकी राम कृष्णन को। ठीक, वेंकी राम कृष्णन को। किसको किया गया? वेंकी राम कृष्णन को। आठवां क्वेश्चन है, कितनी महिलाओं को पहली बार डिफेंस स्टाफ कॉलेज में चुना गया? डिफेंस स्टाफ कॉलेज दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु के नीलगिरी में है। और कितनी महिलाओं को चुना गया? तो 6 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 6 महिलाओं को। नवा क्वेश्चन है, किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप, कौन सा कप? बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? तो दोस्तों जीता है स्विट्जरलैंड। किसने? स्विट्जरलैंड ने जीता है। किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने जीता। तो हारा कौन? ऑस्ट्रेलिया। स्विट्जरलैंड जीत गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया। तो विजेता कौन है? स्विट्जरलैंड है। उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। लिखा है दसवां क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। किस डिक्शनरी ने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो दोस्तों चुना है होमर को। किसको चुना है? होमर को चुना है। आइए दोस्तों इनको रिवाइज करते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। काशी तमिल संगम स्टार्ट होता है दोस्तों वाराणसी में। बाजरा मिशन असम ने स्टार्ट किया। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन ने पहले भारतीय चुने शरद कमल के रूप में। शरद कमल चुने गए। किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया? संध्या देवनाथन को चुना गया दोस्तों। कहां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ग आयोजित होगा? तो मिजोरम में होगा। किसे भारतीय मूल के नोबेल विजेता के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार सम्मानित किया गया? वेंकी राम कृष्णन को। कितनी महिलाओं को पहली बार डिफेंस स्टाफ कॉलेज में चुना गया? तो 6 महिलाओं को। किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन कप का खिताब जीता? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड ने जीता, ऑस्ट्रेलिया हारा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है दोस्तों? तो वो है होमर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।